हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आज बात करूंगा अक्षय कुमार की आने वाली मूवी बेल बॉटम के बारे में। अक्षय कुमार जाने जाते हैं रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवीज़ बनाने के लिए। आखिरी कुछ सालों में अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार ने काफ़ी सारी मूवीज़ सच्ची घटनाओं पर या सच्ची घटनाओं के इर्द गिर्द एक कहानी का ताना बाना बुनकर बनाई हैं, जहाँ एयरलिफ्ट, केसरी, गोल्ड, पैडमैन और मिशन मंगल सत्य घटनाओं में थोड़ा कमर्शियल एलिमेंट ऐड करके बनाई थी, वहीं टॉयलेट एक प्रेम कथा, रुस्तुम, स्पेशल 26 और गुड न्यूज़ के लिए उन्होंने कुछ न्यूज़ हेडलाइन या सत्य घटनाओं के आसपास ही एक दिलचस्प कहानी बुनी। इसी श्रृंखला में अब अक्षय कुमार एक और मूवी लेकर आ रहे हैं बेल बॉटम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक पीरियड फिल्म है जो 1980 के दशक में हुई बहुत सारी प्लेन हाईजैक घटनाओं पर आधारित है। इसमें अक्षय कुमार एक स्पाई की भूमिका में नज़र आएंगे, जो न सिर्फ हाईजैक हुए प्लेन के यात्रियों को बचाता है, पर हिंदुस्तान में इस तरह की और घटनाएं आगे ना हों उसके लिए देश के दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करता है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद शूटिंग स्टार्ट की है, और वह इस समय स्कॉटलैंड ग्लासगो में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। लारा दत्ता स्कॉटलैंड से शूटिंग करके हिंदुस्तान वापस आ गई हैं, और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो विग देख के पता लग जाता है कि लारा दत्ता इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। वाणी कपूर रिसेंटली ही यानी पिछले हफ्ते शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड गई हैं और शूटिंग कास्ट एंड क्रू को ज्वाइन किया है। ये कुछ पिक्चर्स मूवी के सेट से आउट हुए हैं, इन्हें देखा जाए तो डिटेलिंग पे हुआ काम दिखता है, चाहे वो अक्षय कुमार के हाई नेक टी शर्ट्स हों, उसके ऊपर पहना हुआ कोट, पुराने मॉडल के एडिडास के शूज़, उनकी हैंडल मुस्टाच, सब परफेक्ट दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ही इज़ लुकिंग रियली डैशिंग। मूवी की शूटिंग के दौरान ली गई पिक्चर्स में दिख रही विंटेज कार्स और पुराने स्टाइल का फ़ोन बूथ पूरे शूट किए जा रहे सीन्स को ऑथेंटिसिटी देता दिख रहा है। हुमा कुरैशी भी इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि आज अक्षय कुमार का 53rd बर्थडे है, पर वर्कहोलिक अक्षय कुमार का ये बर्थडे वर्किंग ही होगा। बेल बॉटम मूवी का 40 डेज का शेड्यूल है स्कॉटलैंड में, जिसके बाद अक्टूबर में अक्षय अपनी दूसरी फिल्म्स की शूट कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर एक थ्रिलिंग स्टोरी के साथ अक्षय कुमार हमें हमारे अनसंग हीरोज के कारनामों से रूबरू कराएंगे जब ये मूवी 2 अप्रैल 2021 को थिएटर्स में रिलीज होगी। हालांकि मैं अक्षय कुमार के जन्मदिन पर उनको ट्रिब्यूट देते हुए वीडियो बनाना चाहता था कि कैसे एक आउटसाइडर फिल्म इंडस्ट्री में आके उसे रूल कर रहा है, पर मेरे लैपटॉप ने धोखा दे दिया इसलिए नहीं बना पाया। पर स्टिल आई विश अक्षय कुमार एंड ऑल हिज फैंस अकियंस मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई विश लॉन्ग हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ फॉर अक्षय, ताकि हमें ऐसी ही रोचक सत्य घटनाओं पर आधारित और एंटरटेनमेंट से भरपूर मूवीज मिलती रहें। वैसे भी अक्षय आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल है, चाहे उनकी दिनचर्या हो, वर्क एथिक्स हो, डिसिप्लिन हो, फिटनेस हो, बल्कि और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए वे यूथ के रोल मॉडल हैं, आइकन हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।